नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी रूस के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी मॉस्को के एक धार्मिक स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने वहां के धर्मगुरु से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं पूरी बातचीत। हमारे साथ पादरी हैं, धर्म गुरु हैं। वी हैव द रिलीजियस गुरु ओवर हियर, ही इज अ फादर एंड वी आर प्रिविलेज्ड दैट वी आर विद द फादर एंड फादर वुड लाइक टू टेल अबाउट दिस होल म्यूजियम एंड दिस अबाउट द प्लेस वेयर वी आर ओवर हियर। फादर, व्हाट इज दिस प्लेस एंड व्हाट इज दिस? आई एम सीइंग मेनी पीपल, दे आर जस्ट यू नो दे आर थ्रोइंग अ कॉइन एंड वी आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द चर्च, सो व्हाट इज इट अबाउट? जस्ट प्लीज टेल आवर व्यूअर्स। Да, это историческая часовня Иверской иконы Божьей Матери, восстановленная в каком году? В 96-м году восстановленная на месте когда-то разрушенной часовни, да, и с этого времени Иверская икона пребывает здесь, и здесь постоянно служатся акафисты Пресвятой Богородицы, молимся Пресвятой Богородице каждый день. Ежедневно с утра, ну, собственно, до вечера, до 8 часа, до 6 молебнов совершается, и московское духовенство с прихожанами различных храмов, да, любой может зайти и помолиться, и православный христианин, ну, и, собственно, наверное, может быть, зайти и человек, который ищет Бога, да, тоже может зайти и обратить свои молитвы к Богу, да, Пресвятой Богородице, и Господь откроет, несомненно, ему путь истины, который является он сам. Христос есть истина. Thank you, Father. Thank you so much for talking to us, Father. And we really, we are so thankful that we are from India and it is a religious channel. So what you speak will go to the people of India, the Christians and the whole world, what you have spoken. And we would also like that people should come here and they can come and they can, all the wishes will be fulfilled. I think so, Father. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस फादर। थैंक यू। तो ये थे फादर, आप देख सकते हैं कि हम लोग इस समय यहाँ पे खड़े हैं। ये एक धार्मिक स्थल है और इस धार्मिक स्थल लोग अपनी मुरादें, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने आते हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ का एक हिस्सा क्या है जहाँ पे लोग किस प्रकार से अपनी मुरादें पूरी करते हैं। आपको हम सीधे लेके चले। तो वही गढ़वाल लोकसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी ने दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस बीच उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गढ़वाल के पौड़ी में बनने वाले तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि भारत सरकार से मदद करने की मांग की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दोनों प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो वही चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने मॉस्को के म्यूजियम के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आप देख सकते हैं हम इस समय मॉस्को के एकदम मध्य में है, खासतौर से जिसको हम इसको सेंटर बोलते हैं। ये ऐतिहासिक म्यूजियम है जो लगभग 16वीं 17वीं सदी का है। आप देखिए ये पूरा बेहतरीन, मैं चाहूंगा कि एक बार इसको पूरा दिखाएं किस प्रकार से ये इतना खूबसूरत और कितना पौराणिक है ये। और इसको यहाँ पे अभी आपने जैसे देखा कि हमने पादरी से बात की, यहाँ पे यहाँ के जो प्रीस्ट हैं, और ये एक और मान्यता मैं आपको दिखाते चलूं यहाँ के बारे में। ये क्या मान्यता है, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो भी सिक्का उछालता है और उसका सिक्का अगर सर्कल में गिरता है तो उसकी मुराद पूरी होती है। अभी ये सिक्के को अभी उछालेंगे, आप इसको देखेंगे किस प्रकार से लोग यहां पे अपनी मुरादें पूरी करते हैं। ये एक अपने आप में सिर्फ दार्शनिक स्थल नहीं है, लोग यहां सिर्फ देखने घूमने के लिए नहीं आते, इसकी एक मान्यता भी है कि लोग यहां पे बीचों बीच में आएंगे और अपने सिक्के को उछालेंगे और उसके बाद से अगर उनका सिक्का इस सर्कल में गिरता है तो ये माना जाता है कि उनकी मांग पूरी होगी, ईश्वर उनकी बात को सुनेंगे। ईश्वर, आप देख सकते हैं कि सामने ये गिरजाघर है और इस गिरजाघर में ये पूरी मान्यता है। यहाँ पे ना कि सिर्फ मॉस्को रशिया के, पूरे विश्व के लोग आते हैं और अपनी मन की मुराद पूरी करते हैं। देखिए धर्म हर देश में महत्व काफी रखता है, ना कि सिर्फ भारत में, मॉस्को में भी तमाम यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। अगर हम उनसे बातचीत करेंगे, इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश? We have a tourist over here to see this place and we will just ask them their views also. May I know your name please and from which country you are? We are from Russia. My name is Alexandra. This is Sergei.
Okay, so what is the, I'm seeing the people are there in the center, they are throwing a coin. What is this about? Would you let us know about our viewers for India? I don't know how it sounds in India, but it's 0 kilometer of all after doors in Russia. This stars all streets. Okay. And no, but they are throwing a coin. So is there any, say, some people were saying that as if when you throw the coin and if it is in, it's in, it comes into the center, then what you wish, it comes true. Is it so? I hope yes, because many years ago I make a wish here. So did you make the wish about your partner? Maybe, I don't remember, but I hope it will. Okay, we have the partner also. And please, what do you think about this place? What is the speciality? And what can you tell some words about these, this monument over here? Так я по-английски... Very nice, very beautiful. Very nice, very beautiful piece, place. Thank you so much for talking to us. So you can understand these are the tourists. They are from Russia and they are coming over. This is a concern for this place. The people from Russia and all over the world, they come over here. We are seeing many other tourists also where you can see. Or aap dekh sakte hain, khas taur se yahan pe log hain. Aur ye hamare desh ki tarah manyata hai. Kitna khubsurat ye aap dekhiye. Ye pura ye aap aitihasik is building ko dekhiye. Aap aur abhi yahan pe prayer bhi shuru ho chuki. Hum thoda sa kahenge apne saathi se ki kripya yahan pe हम लोग चले क्योंकि जो पादरी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेयर शुरू कर दी है तो हम प्रेयर का भी आपको छोटा सा एक हिस्सा दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहां पे प्रेयर होती है वो भी हम आपको दिखाते हैं इनके यहां साथ में ये लोग जिस तरह से प्रेयर करते हैं और इस समय प्रेयर शुरू हो गई है इनकी आप देखिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं यहाँ पे ये प्रेयर हो रही है इस समय और ये भी एक प्रार्थना स्थल है और क्योंकि हम धीरे में बात कर रहे हैं प्रार्थना पूरी स्थल हो चुकी है और यहाँ पे ये लोग पूरी प्रार्थना करते हैं और जैसे आप जानते हैं कि धर्म की अपनी अलग ही भूमिका है धर्म के प्रति लोगों के और हम क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है तो हम बहुत देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहेंगे हमने आपको विजुअल्स दिखा दिए क्योंकि प्रार्थना चल रही है अंदर बहुत सारे लोग वो पीछे से भी हैं यहाँ पे जो आना चाहते हैं तो आप देखिए क्योंकि हम लोग अभी बाहर हैं और हो सकता है कुछ इनके नियम ऐसे हों जिसमें हमें जाना उचित नहीं होगा ऐसे और दृश्यों को हम आपके सामने लेके चलेंगे इस सेकेंड अपने एपिसोड के बाद देखिए आपको बताते चले कि इस वक्त हमारे चैनल हेड ब्रजभूषण जो कि रूस के दौरे पर है और उसके बाद से आपको बता दें कि तमाम तस्वीरें वहां से वो साझा कर रहे हैं जो कि हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं जहां पर आपको बताते चले कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस वक्त रूस के दौरे पर है जहां उन्होंने ताजिकिस्तान के संसद के अध्यक्ष जोकिर जोदा महमद तोहिर जोहिद से मुलाकात की है भेंट की है जिन्होंने स्पीकर ओम बिरला को पुनः लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं आपको बता दें कि दोनों के बीच देशों के संसद सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई ताजिकिस्तान में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया तो आपको बताते चलिए लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला इस वक्त रूस के दौरे पर हैं और जहां उन्होंने देखे रूस के दौरे पर ताजिकिस्तान के संसद के अध्यक्ष से मुलाकात की भेंट की आपको बताते चले ताजिकिस्तान के संसद अध्यक्ष जोकिर जोदा महमद तोहिर से उन्होंने मुलाकात की है और आपको बताते चले कि स्पीकर बनने पर जो है जो संसद के अध्यक्ष हैं उन्होंने उनको बहुत शुभकामनाएं दी है और इसी के साथ दोनों के बीच देशों के संसद सहयोग बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा की गई बातचीत की गई तो वहीं ताजिकिस्तान में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है प्रदेश के आम महोत्सव 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात विभाग के मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी कृषि उत्पादन आयुक्त
डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री बीएन मीना जी, एक्जीक्यूटिव चेयरमैन भारत बायोटेक डॉक्टर कृष्णा इलाजी, उद्यान विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित हमारे प्रगतिशील किसान, बागवान और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश भर से आए हुए और देश के अन्य राज्यों से भी यहां पर उपस्थित प्रगतिशील किसानों, बागवानों और इस क्षेत्र के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका मैं प्रदेश के इस आम महोत्सव 2024 के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारी सामान्य भाषा में ही जिस फल का नाम आम हो उस फल की विशेषता और उस फल में प्रत्येक नागरिक की पहुंच का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वह आम है इसलिए सबके लिए सुलभ भी है, सबके लिए सरल भी है और सबके लिए उपयोगी भी है। और इसीलिए तो जो आम होगा वही राजा भी होगा और इसलिए फलों के राजा के रूप में आम को सबने महत्व दिया है। आम महोत्सव 2024 पिछले 7-8 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करती है, अपने प्रगतिशील किसानों और बागवानों को सम्मानित करती है, उत्तर प्रदेश के उत्पादित आम को हम न केवल देश में बल्कि दुनिया की मार्केट में पहुंचा सके इसके लिए प्रयास करती है और इसके लिए आम महोत्सव जैसे लखनऊ में आयोजित हो रहा है ऐसे महोत्सव का आयोजन दुनिया में और देश में भी आयोजित करते हैं। आज उसी दिन से यह आयोजन 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आम महोत्सव में 700 से अधिक वैरायटी प्रदेश की और देश की आम की यहां पर प्रदर्शन होगी अगले 3 दिनों के अंदर। बायर सेलर मीट्स यहां पर आयोजित होगी, आयात और निर्यात के लिए नए नए उपक्रम यहां पर होंगे और मुझे प्रसन्नता है कि जैसे मैं आम महोत्सव में आया तो सबसे पहला काम तो मैंने किया कि जापान के लिए यहां से आम को निर्यात करने के एक कार्यक्रम का मैंने शुभारंभ किया और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि जापान और मलेशिया में 40 टन आम इस साल निर्यात होगा उत्तर प्रदेश का। पहली बार जैसा कि विभाग के मंत्री भी बोल रहे थे कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका गया, यानी 160 वर्ष का इतिहास है, आज तक ये अमेरिका नहीं जा पाया लेकिन अब अमेरिका भी जा रहा है। और जैसे कि मुख्य सचिव ने यहां बताया यहां पर कितना आम का दाम होगा 60 से लेकर 100 रुपए के बीच, लेकिन यही आम जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचेगा तो इसका दाम होगा 900 रुपया किलो। यानी अगर हम यहां से ड्यूटी भी लगा लें, यहां से उसके कार्गो के दाम भी लगा लें, उसके एयर फेयर को भी उसके साथ जोड़ लें तो भी यह बहुत ज्यादा होगा, तो 250-300 रुपए तक जाएगा, तो भी एक किसान को एक बागवान को 600 रुपए की बचत 1 किलो में होने जा रही है। मुझे बताओ जो किसान यहां पे 1 किलो आम को 45-50-60 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो बेचेगा वह समृद्ध होगा कि जिसका आम अच्छी क्वालिटी का आम, क्योंकि एक्सपोर्ट की क्वालिटी पैक हाउस से प्रोसेसिंग के बाद उसको तोड़ने का तरीका,
उसकी पैकिंग का तरीका, उसकी क्वालिटी को पहले दिन से ही बनाए रखते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो उसी आम का दाम दुनिया के मार्केट में 900 रुपए आपको प्राप्त होंगे, 600 रुपए की बचत अकेले एक किलो में एक बागवान को, एक किसान को प्राप्त हो जाएगा। गत वर्ष उद्यान विभाग की टीम, आज के मुख्य सचिव भी थे और हमारे मंत्री, उद्यान मंत्री भी थे और अन्य अधिकारी भी गए थे, मास्को में गए थे, वहां पे इन्होंने आम महोत्सव किया था, वहां से भी इनको ऑर्डर मिले थे। लखनऊ अमरोहा के हमारे किसान गए थे, किसानों के लिए ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से 4 पैक हाउस बनाए हैं, जो सहारनपुर में है, अमरोहा में है, लखनऊ में है और वाराणसी में है। यह एक नई शुरुआत है, अच्छा दाम मिले। हमें यहां की मार्केट के लिए भी आम उत्पादन करना है, आम नागरिक के लिए भी आम उत्पादित करना है, लेकिन साथ साथ दुनिया की मार्केट में भी छाना है। और यह क्षमता हमारे अन्नदाता किसानों में है, हमारे यहां के औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए जो बागवान हैं उनमें भी यह क्षमता है। यही कारण है केवल 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो फसल होती है वह प्रदेश में और देश के लिए 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन कर देती है। यानी देश की कुल आम उत्पादन का 25 से 30% आम उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है और इसमें भी अलग अलग वैरायटी। आप पश्चिम में जाएंगे, सहारनपुर से लेकर के मेरठ के बीच में रटौल आपको मिल जाएगा। आप अमरोहा में आएंगे, दूसरी प्रजाति आपको मिलेगी। लखनऊ में आएंगे तो लखनऊ में आपको दशहरी मिल जाएगी। बस्ती में जाएंगे वहां पर अम्रपाली मिल जाएगा। गोरखपुर में जाएंगे गौरजीत मिल जाएगा। वाराणसी जाएंगे लंगड़ा मिल जाएगा। ऐसी अलग अलग जनपद की अलग अलग वैरायटी भी है। आप सोचिए कि जब विज्ञान इतना अप्रगतिशील नहीं था, इतना आगे नहीं था, तब हमारा बागवान, हमारा अन्नदाता किसान नई नई वैरायटी देने में तत्पर रह करके कार्य करता था, आम की फसल को बचाता था, उसको कीड़ों से बचाता था, उसे हर प्रकार से एक नए तरीके से लगाने की तैयारी करता था। और आज जब सरकार सुविधा दे रही है, सरकार ने तमाम प्रकार से सुविधाएं देनी प्रारंभ की हैं, सरकार ने तमाम प्रकार से प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया है, उन स्थितियों में इस प्रोत्साहन का लाभ लेते हुए हमें अपने आप को तैयार करना होगा और अपने उत्पादन को इतना बढ़ाना होगा कि घरेलू मार्केट की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ हम मुनाफा कमाने के लिए दुनिया की मार्केट में भी भारत के आम को, उत्तर प्रदेश के आम को भेजने की तैयारी कर सके। इसके लिए आम महोत्सव यहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और अन्य राज्यों से भी किसान आए हुए हैं जो इस आम की प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। तमाम अन्य संस्थाएं भी इसमें भाग ले रही हैं। मैं इस अवसर पर भारत बायोटेक के अपने डॉक्टर कृष्णा इला को भी का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने यहां के प्रोडक्ट को दुनिया की मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किया है, यह एक अच्छा प्रयास है। और सचमुच यह प्रयास यह बताता है कि सरकार, स्टेक होल्डर और किसान तीनों मिलकर के अगर कार्य करना प्रारंभ कर लें तो किसान की आमदनी को मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप दोगुने से अधिक करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगले 3 दिनों तक बागवान और किसानों के बारे में जो अनेक कार्यक्रम यहां प्रारंभ होने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे इसमें उन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला यहां तैयार की गई है, जिसमें यहां पर इस कार्यक्रम के बाद यहां पर सहकारी विपणन संघ के माध्यम से कैसे आपको सपोर्ट किया जा सकता है, इस पर भी एक कार्यक्रम आज होने जा रहा है।
बायर सेलर मीट के माध्यम से भी इसके विपणन और निर्यात की संभावना के विषय पे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के द्वारा आम के विपणन हेतु दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी यहां पर जानकारी दी जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन के बारे में जो उसके स्टैंडर्ड हैं, जो उसके मानक हैं, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आम की सुरक्षित तुड़ाई एवं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक पर भी यहां पर चर्चा होने जा रही है। इसके अलावा प्रगतिशील आम और उत्पादकों द्वारा गुणवत्ता युक्त आम उत्पादन के संबंध में भी यहां पर जानकारी दी जाएगी और साथ साथ आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य भी आपस में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से इसके बारे में समस्याओं के समाधान का भी कार्य यहां पर होगा। कल के जो कार्यक्रम है आम के सस्य क्रियाएं और पोषण प्रबंधन के बारे में, आम के प्रमुख कीट एवं व्याधियों के प्रबंधन के बारे में, आम के उत्पाद विविधता और मूल्य संवर्धन एवं निर्यात से संबंधित चर्चा यहां पर होनी है। ऐसे तमाम मुद्दों पर यहां पर अगले तीन दिन तक चर्चा परिचर्चा को बल देकर के आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है ही, लेकिन अब हमें बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप उस प्रकार की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बनाए रखने के लिए लगातार काम करना होगा। दुनिया की मार्केट में उत्तर प्रदेश का आम छा जाए, इसके लिए हमें इस प्रकार के महोत्सव के माध्यम से जो जानकारी मिले उसको हमें अपने यहां प्रारंभ करना पड़ेगा। कहां से निर्यात की संभावनाएं बन सकती हैं और किन देशों के लिए बन सकती हैं, उन देशों तक अपनी पहुंच को बनाना ही पड़ेगा। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की ये सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगी और देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने किसान और बागवानों के पशुपालकों के हितों के संवर्धन के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं वह एक किसान की एक बागवान की आमदनी को कई गुना करने में मददगार होगी। तीन दिवसीय आम महोत्सव के अवसर पर मैं एक बार फिर से जितने भी यहां पर बागवान आए हैं, किसान आए हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स आए हैं, इन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और इस महोत्सव की सफलता की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। वही बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री का भी वितरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। जनपद बलरामपुर में बाढ़ बचाव और राहत कार्यों के निरीक्षण कार्यक्रम में आज मेरे साथ में यहां पर उपस्थित प्रभावित गांवों के सभी बाढ़ पीड़ित और उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं कि 6 और 7 जुलाई को नेपाल और उत्तराखंड में भीषण अतिवृष्टि के कारण प्रदेश के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 15 से लेकर 17 लाख की आबादी इन 12 जनपदों में प्रभावित हुई है और जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, सांझापुर से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद भी इस बाढ़ से असमय प्रभावित हुए हैं। हम सब ने बाढ़ बचाव के उपाय समय से प्रारंभ किए थे और अक्सर बाढ़ इन क्षेत्रों में अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर में आती थी। गत वर्ष अक्टूबर माह में भी बाढ़ देखी गई थी, लेकिन इस बार बाढ़ जुलाई प्रथम सप्ताह में ही आई।
अचानक में आई बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ, अन्य प्रकार से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ, लेकिन सभी विभाग पहले से ही इसके लिए अलर्ट भी थे। अभी मैं श्रावस्ती से आया हूं, कैसे 11 लोगों को जो नदी के बीच में फंस गए थे अचानक बाढ़ के कारण रात्रि में रेस्क्यू करके उन्हें पीएसी की फ्लड यूनिट ने वहां से सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। ऐसे ही अन्य जगहों पर भी, बलरामपुर जिले की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी आबादी यहां पर इससे प्रभावित है। स्वयं बलरामपुर कस्बे में भी पानी घुस गया, लगभग 4 से 5 दर्जन गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। आवागमन बहुत सारे गांवों का बंद सा हो गया, मुख्य मार्ग बाधित हो गए, जनजीवन प्रभावित हुआ। सरकार ने पहले से ही प्रशासन को इसके बारे में निर्देशित किया था कि पहले से ही हम नौकाओं की व्यवस्था करके रखें, जो प्रभावित परिवार हों, जिनके घर के अंदर पानी घुस जाए, उनको फूड पैकेट उपलब्ध करवाएं, राहत पैकेट भी उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें, और साथ साथ अन्य सामग्री जो भी एक घर के लिए आवश्यक है वह सभी करने के साथ साथ मेडिकल की व्यवस्था भी, क्योंकि बरसात के समय तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्किन से संबंधित होती हैं, जल जनित होती हैं, और पानी निकलने के बाद भी मच्छर आदि के प्रकोप के कारण कुछ बीमारियां होने की संभावना होती है। इन सब की सावधानी हमें प्रारंभ से ही करनी होगी। बाढ़ के अंदर पानी भरने के कारण सांप के काटने, बिच्छू के काटने और अन्य जंगली जानवरों के साथ साथ कुत्तों के काटने की शिकायतें भी सामने आती हैं। तो इसके लिए एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के वैक्सीन भी जगह जगह। और इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।